नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। अभी हमने एक के बाद एक नए घटनाक्रमों को जोड़ रहे थे और उन घटनाक्रमों के कारण जो सिलसिले जो हम लोगों के सामने निकल के आ रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा भयानक रूप इस संसार के अंदर दिखा रहे थे और इस संसार के अंदर होने वाली परिस्थितियों में प्राकृतिक आपदाओं का कहर इतना ज़्यादा दिखा रहे थे कि नक्षत्र मंडलों ने इस टाइम के ऊपर मनुष्य की सभ्यता को बदल के रख देने का प्रयास कर दिया है। जी हाँ, जो अभी ग्रहों की स्थिति उत्पन्न हुई है उसके अंदर हम लोगों ने आपको पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को जब बताया तो हमने ये बताया था कि कौन सी दिशा के अंदर कौन सी जगहों के ऊपर कहर टूट के बिरेगा। और अब आप देखिए, अभी थोड़े दिनों पहले जो तुर्की के हालात हम लोगों के सामने निकल के आए हैं, भयानक भूकंप का सामना कराया तुर्की ने और लगभग तुर्की का 80% हिस्सा बहुत बेहद क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसमें से मरने वालों की संख्या 50,000 के पार हो गई है। अब ये 50,000 का आंकड़ा छोटा आंकड़ा इसलिए नहीं लगता क्योंकि तुर्की जैसे देश की जनसंख्या बहुत ही थोड़ी है, उसमें इतना बड़ा आंकड़ा बहुत बड़ी वैल्यू माना जाता है। भारत और चाइना के कंपेरेटिवली ये आंकड़ा छोटा लगता है क्योंकि भारत और चाइना के अंदर जनसंख्या का अपार भंडार है। मतलब ये कहिए कि समुंदर के तौर के ऊपर लोगों की यहाँ पे जनसंख्या देखी जाती है। भारत जनसंख्या वृद्धि में नंबर 1 पे आ गया है, चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। और अब न्यूजीलैंड के बारे में जो मैं आप लोगों को बताने आया हूँ, पहले से सचेत किया था इस बारे में, इस भविष्यवाणियों को लोग नहीं झुठला सकते। आज से कई दिनों पहले हमने इस बारे में बताया था और जिन्होंने वीडियोस देखी होगी उनको ये बात याद होगी कि उनको दोबारे से इस बात को दोहराने की जरूरत नहीं होगी। करीबन जनवरी 3 तारीख की वो वीडियो है, उसके अंदर मैंने बताया था कि कौन कौन से शहरों के नाम आने वाले हैं न्यूजीलैंड के अंदर भयानक भूकंप, जिसके अंदर भयानक भूकंप के बाद में सुनामी का सामना करा, सुनामी भी ऐसी सुनामी जिसने न्यूजीलैंड को जल परले की स्थिति लाके रख दी, पूरे न्यूजीलैंड को समुन्द्र में तब्दील कर दिया। जी हाँ, चारों तरफ से समुंदर के रास्ते गिरा हुआ न्यूजीलैंड आज खुद समुंदर में तब्दील हो गया है। लोगों की गाड़ियां छतों के ऊपर पहुंच गई हैं। तूफान जो इतना भयानक आया और उस तूफान ने 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से न्यूजीलैंड के अंदर तबाही मचाई और ये तबाही का मंजर तुर्की जैसा ही भयानक था। बस फर्क इतना था, तुर्की के अंदर भूकंप के कारण तबाही मची है तो न्यूजीलैंड के अंदर जल परले के कारण तबाही मची है। आने वाले टाइम के अंदर लगातार जल परले के ऊपर बहुत भयानक बहुत बड़ी सुनामी की आशंका हम लोगों को दिखाई दे रही है। और जिस प्रकार से न्यूजीलैंड के अंदर अभी जल परले हो रही है, 12-12 फीट तक पानी खड़ा हो गया है, रोडों के ऊपर लोगों का निकलना दुर्लभ हो गया है, खाने की वस्तुओं का अकाल पड़ गया है क्योंकि भूकंप से जब क्षतिग्रस्त होता है तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है और पानी जब तबाही मचाता है तो हर चीज को खत्म कर देता है। कहते हैं ना कि भूकंप, पानी और आग, ये तीनों ही प्रकृति के सबसे बड़े हथियार हैं। और आप देखिए कि पानी के कारण जल परले हुई न्यूजीलैंड के अंदर और न्यूजीलैंड की सारी अर्थव्यवस्था को हिला के रख दिया। वहाँ के लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बच्चों को इतना समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, परिवार छत पे रहने को मजबूर हो गए हैं, जो मिल रहा है केवल वो खा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे खाने की वस्तुओं खराब हो गई हैं, पानी में भीग के सब कुछ खत्म हो गया है, फसलें नष्ट हो गई हैं। और जब सुनामी जल परले बाढ़ खटती है तो उसके बाद वो सारी मिट्टी से उर्वरकता भी ले जाती है और फसलों को उगाने योग्य क्षेत्र भी नहीं छोड़ती, मतलब अकाल की स्थिति उत्पन्न कर देती है। तो इतना भयानक तूफान न्यूजीलैंड झेल रहा है और आने वाले टाइम के अंदर ऐसे ही तूफान, ऐसी ही सुनामी, ऐसे ही भूकंप बहुत बड़े क्षेत्रों के अंदर भी आएंगे। अब भूकंप की बजाय जल की बड़ी सुनामी से बहुत बड़ी जल परले हम लोगों को नक्षत्रों के द्वारा दिखाई दे रही है। मैं आप लोगों को वीडियो के अंदर बताऊंगा, धीरे धीरे सारी बातें आप लोगों के पास में लेके आता रहूंगा ताकि आप लोगों को भी समझ में आए और जो लोग इस बात को यकीन नहीं कर रहे थे उनका भी यकीन अब बढ़ता जा रहा है। और मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारी बातें लोग मान रहे हैं और सभी लोगों को दिल से धन्यवाद करूंगा जो लोग आगे बढ़कर सपोर्ट कर रहे हैं। उन लोगों
का भी धन्यवाद करूंगा जो हमारे कार्य के अंदर अपना योगदान दे रहे हैं और हमारे कार्य के अंदर सपोर्ट कर रहे हैं। तो सभी लोग आगे बढ़िए, अपने कार्यों को आगे बढ़ाइए और ये समय प्रकृति के अपने आप को संतुलित करने के लिए ये समय रख रखा है। और प्रकृति जब संतुलन की क्रिया अपनाती है तो वो ये नहीं देखती कि मेरे ऊपर किस जगह के ऊपर ज़्यादा लोग रह रहे हैं और किस जगह के ऊपर कम लोग रह रहे हैं। वो एक समान कार्य करती हुई चली जाती है और एक समान व्यवस्था को स्थापित करती हुई चली जाती है। तो ये व्यवस्था स्थापित करने का समय अब प्रकृति ने अपने ऊपर भार ले लिया है और आने वाले टाइम के अंदर बहुत बड़ी चीज़ें, बहुत बड़ी समस्या जो प्राकृतिक रिलेटेड हम लोगों के सामने आएगी वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। और ये केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर भी घटित होगा। विश्व के अंदर इसकी मार सबसे ज़्यादा पड़ने वाली है, भारत इससे थोड़ा सा बचा हुआ रहेगा क्योंकि इस बार शनि भारत की कुंडली के अंदर थोड़े मजबूत दिखाई दे रहे हैं। तो ये स्थिति जो भारत के विषय में थोड़ी हल्की रहने वाली है लेकिन बाहरी क्षेत्रों के अंदर बहुत बड़ी मार देगी। तो विदेशों के अंदर रहने वाले भारतीय ब्लॉगर चैनल के जो माध्यम से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी हम सतर्क करने का कार्य कर रहे हैं, उनको भी बचाने का कार्य कर रहे हैं। लो दोस्तों, बचो अपने और अपने परिवार को, इस समस्या से निदान पाओ, बचा के रखो क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर प्रकृति बहुत बड़ा खिलवाड़ करेगी, सभी लोगों के जीवन को पूर्ण रूप से बदल के रखने का खिलवाड़ कर देगी। आप लोगों को अभी थोड़े दिनों पहले एक रिपोर्ट प्रदर्शित हुई जो जुगनू, आप लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा, जुगनू नाम का जो एक कीट होता था वो जुगनू अब ख़त्म होते जा रहे हैं। और आप लोगों को ये बता दूं, जुगनू के बारे में पुराने वेदों में, पुरानी जगहों में ये कहा जाता है कि जुगनू एक ऐसे पतंगे हैं जो जीवन जहाँ पर रहते हैं वहाँ पे जीवन रहने योग्य होता है। मतलब जहाँ पे जुगनुओं का दिखना बंद हो जाता है तो वहाँ पे जीवन भी रहने योग्य ख़त्म हो जाता है। तो जुगनू अगर इस दुनिया से ख़त्म हो गए तो जिस प्रकार से कहा जाता है कि मधुमक्खी अगर इस दुनिया से ख़त्म हो गई तो जीवन का अंत हो जाएगा, उस प्रकार से हर एक जीव का अपने इस संसार के अंदर बहुत बड़ा महत्व है। हल्की हल्की गर्मी प्रदान करने वाले ये जुगनू इन जीवन के अंदर बहुत बड़ी चीज़ों को दिखाते हैं, प्रकृति के बदलाव को हम लोगों को दिखाते हैं और ये बदलाव हम लोगों के सामने अब हमें देखने को मिल रहे हैं। लगातार जुगनुओं की प्रजाति ख़त्म होती जा रही है, बहुत कम जगहों के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। जिस जगह पर देखने को मिलेंगे वहाँ पर प्रकृति का सारे साधन आप लोगों को आपके सामने होंगे। तो दोस्तों, क्या हकीकत में इतना बड़ा बदलाव आ रहा है और जैसे कहा जा रहा है और जैसा वेदों पुराणों और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से भी लोग बता रहे हैं कि 2030 तक बहुत बड़ी व्यवस्था प्रणाली बदलने वाली है, बहुत सारे लोगों की जनसंख्या के अंदर घटाव होने वाला है। तो हम लोगों को प्रभु भक्ति के अंदर लीन होने की आवश्यकता है, बच के रहने की आवश्यकता है। आने वाले टाइम के अंदर बहुत बड़ा समस्या हम लोगों के सामने निकल के आ सकती है, तो उससे पहले ही बचाव करके रखें क्योंकि जो ईश्वर भक्ति में जुड़ा हुआ रहेगा, कष्ट तो ज़रूर होता है, सबको होता है, लेकिन ये कहिए कि अगर कष्ट एक चाकू घोंपने के बराबर होना होता है तो वो एक सुई चुभने के बराबर होता है जो लोग प्रभु भक्ति के अंदर लीन होते हैं। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगा मैं आपसे आप ही के अपने चैनल के ऊपर एक नई जानकारी प्रदान करते हुए। सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।